नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। दोस्तों, शिक्षा जगत के बड़े समाचार से बड़ी खबर आ रही है। आप देश प्रदेश के किसी भी प्रदेश से पालक हैं, शिक्षक हैं, तो ध्यान से देखें, क्योंकि आपके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के, उनके कोर्स में कटौती की गई है। सिलेबस से राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता से जुड़े पाठ पूरी तरह से हटाए गए हैं। और हम आपको डिटेल से जानकारी देने वाले हैं कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में कौन कौन से चैप्टर कम किए गए हैं, और साथ में कक्षा 8वीं तक में क्या कटौती की जाएगी, कौन करेगा, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार लिखें, और आपको आगे भी ऐसी आपके खबर की जानकारी मिल सके, इसलिए आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जान लेते हैं, लेट्स गो। दोस्तों, माननीय मंत्री निशंक जी ने सफाई दी है, कटौती केवल एक साल के लिए है। कोरोना महामारी के कारण देश में पैदा हुए हालात के मद्देनजर CBSE ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में कटौती की है। यह कटौती मंगलवार को की गई थी, जिस पर बुधवार को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सफाई दी। उन्होंने बताया कि कोर कंसेप्ट को बनाए रखते हुए सिलेबस को करीब 30% तक कम कर दिया गया है। इस कटौती के बाद अब धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद जैसे कई अध्यायों को मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। बोर्ड की कमेटी ने करीब 1500 विशेषज्ञों की राय से पाठ्यक्रम में कटौती का खाका तैयार किया है, और उसके बाद कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं 8वीं तक की कक्षाओं का सिलेबस तैयार करने का अधिकार स्कूलों को दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि जिन टॉपिक्स को पाठ्यक्रम से हटाया गया है, उन्हें भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा ताकि उनका कंसेप्ट क्लियर रहे। सिलेबस से इन खास टॉपिक्स को हटाए जाने की खबरों के बाद बुधवार शाम CBSE के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। दोस्तों, कक्षा 10वीं से लोकतंत्र से जुड़े चैप्टर्स हटाए गए। कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए समकालीन भारत में वनों एवं वन्य जीवन पर समाज विज्ञान के चैप्टर को हटा दिया गया। साथ ही लोकतंत्र एवं विविधता पर अध्याय लिंग, धर्म और जाति, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन और लोकतंत्र के लिए चुनौतियां आदि चैप्टर्स को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इस क्लास विज्ञान के पाठ्यक्रम से मानव आँख के अध्याय को हटा दिया गया है। इसके अलावा कई प्रैक्टिकल्स, एक्सपेरिमेंट्स को भी इस वजह से हटा दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स को इस शैक्षणिक वर्ष में लैब में अधिक वक्त नहीं मिल पाएगा। 11वीं में जानते हैं कक्षा 11वीं के कोर्स में बड़ा बदलाव। बोर्ड की इस कटौती का असर 11वीं कक्षा में पढ़ाए जाने वाले संघीय ढांचा, राज्य सरकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे अध्याय पर दिखेगा। CBSE ने इन सभी अध्यायों को मौजूदा एक वर्ष के लिए सिलेबस से हटा दिया है। 11वीं के अंग्रेजी के स्टूडेंट्स के पाठ्यक्रम में से लेटर टू एडिटर और नौकरी के लिए रिज्यूम के साथ अप्लाई करें जैसे टॉपिक्स को हटा दिया गया है। कक्षा 11वीं की पॉलिटिक्स साइंस की बुक 1 और 2 से कुल 5 यूनिट हटा दी गई हैं, और इन्हीं में संघीय ढांचा, राज्य सरकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे टॉपिक कवर किए जाते थे। अब बात करते हैं 12वीं में से क्या हटाया। अब 12वीं की कक्षा के छात्रों को इस मौजूदा वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था का बदला स्वरूप, नीति आयोग, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ के साथ व्यापार, सरकारीकरण, GST जैसे विषय नहीं पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा सुरक्षा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी यूनिट्स भी हटा दी गई हैं। भारत से पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार से संबंधों वाले टॉपिक्स भी इस साल सिलेबस में नहीं होंगे। इसके अलावा इतिहास के स्टूडेंट्स विभाजन, जमींदारों या किसानों के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से देश के सभी CBSE स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक ये कटौती की गई है। हमने आपको बता दिए टॉपिक्स, कौन सी यूनिट्स को जो है काटा गया है। तो दोस्तों, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि सभी स्टूडेंटों को पता चल सके। आप पालक हैं तो इसको जरूर देखें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।